से परिवर्तन हुआ। चाहे चंपारण में जो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने किया या इमरजेंसी के खिलाफ जेपी जी का जो मूवमेंट था वो और एक देश को एक दिशा दिखाने का काम, तो उसी तरीके का ये धरती रहा है। और यहाँ पटना में इतनी बड़ी बैठक हुई, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी बड़े नेता सब लोग उपस्थित रहे और एक मत हो करके फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ जो है गोलबंद होने का ऐलान किया और एक देश को दिशा दिखाने के लिए सब लोग एकजुट हुए। और ये कोई हम अपने हित के लिए या उनके हित के लिए नहीं, बल्कि जनता की मांग पर हम लोग एक, और सब लोग चाहते हैं कि जनता जो है मोदी जी पे बात नहीं करना चाहती, जो अगला चुनाव है वो जनता का चुनाव है, कोई एक विशेष व्यक्ति का चुनाव नहीं, मेरा चुनाव नहीं, बल्कि ये 125 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं ये उनका चुनाव है, तो उनके मुद्दे पर चुनाव हो। लेकिन केजरीवाल नाराज होकर चले गए। कोई नाराजगी कहीं कुछ नहीं है, सारी बातें जो है स्पष्ट जो है हो चुकी है और ज्यादा किसी को उसमें कहना नहीं है, बहुत फ्रूटफुल रहा। कॉमन कैंडिडेट की बात हो रही है तो बहुत बड़ी चीज होगी। आगे कल नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह दिया कि अगली बैठक शिमला में होगी, उसके बाद कैसे क्या होगा, क्या पॉलिसी बनेगी, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, जो डिटेल में जो बातें होंगी वो वहाँ होंगी, उसके बाद सारी बातें बता दिया जाए। फोटो सेशन कहा जा रहा है, बीजेपी ने कहा फोटो सेशन हो रहा था, फोटो सेशन बताया था, पता नहीं उन लोग का यही काम है, उसने इस तरह का नाम दिया है। हम तो जनता के हित के लिए रंगमंच सच चुका है, नाटक मंडली इकट्ठी हो चुकी है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए नेता उसमें शामिल होते हैं, एकजुटता की बात करते हैं लेकिन मीटिंग खत्म होने तक के बाद तक भी एकजुट नहीं दिख पाते, 15 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हैं लेकिन एक स्वर में नहीं बोल पाते और एक प्रश्न भी मीडिया का सवाल नहीं ले पाते। कैसे उस मंच पर इकट्ठे हो गए जब ममता दीदी कहती हैं कांग्रेस को बंगाल छोड़ दो, लालू जी नीतीश यादव कहते हैं बिहार छोड़ दो, अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश छोड़ दो, स्टालिन कहते हैं तमिलनाडु छोड़ दो और कम्युनिस्ट कहते हैं केरल छोड़ दो, तो बचा क्या है? कांग्रेस कुर्सियां लगाने के लिए रह जाएगी क्या गठबंधन में? अब तो कल एक पोस्टर जारी किया तो नीतीश कुमार जी उसमें बड़ी सी फोटो नीतीश जी की लगी हुई थी, तो क्या नीतीश जी को इन्होंने अपना नेता माना है और थोड़ी देर के बाद उसका ट्वीट डिलीट हो जाता है? ये ऐसा गठबंधन है जहां ना नेता है, ना नीयत है, ना ही नीतियां हैं, और नीयत में तो खोट है।